कोई भी कैमरा यदि हम खरीदते हैं तो उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस कैमरे के अंदर क्या फीचर्स दिए हुए हैं और किन फीचर्स के आधार पर मैं इस कैमरे की सेटिंग को लूँगा। जितने भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग जो इंस्टॉल है उसका उपयोग मैं किस प्रकार से कर सकूँगा। तो आइए हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की सेटिंग हो सकती है। ये इसकी टच स्क्रीन है, तो एक बार हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दबाएंगे, ज़्यादा दबाते से यहाँ पर देखिए आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है, टच कर देंगे। इसमें दो प्रकार से हम लोग इस सेटिंग मेन्यू में जा सकते हैं, एक तो हम यहाँ की टच स्क्रीन से यहाँ पर आ सकते हैं और दूसरा जो होता है वो हम नीचे एक डायलर लगा हुआ है उसी के अंदर एक सिस्टम होता है, देख रहे हैं, और उसी के पास में एक डायलर है उसको हम घुमाते हुए सारे मेन्यूज को बदल देंगे और जो मेन्यू हमें सेलेक्ट करना है उसी डायलर को हम एक बार अगर प्रेस कर देंगे तो वो हमें इस सेटिंग में ले आएगा। यहाँ से मैं एक बार डायलर को दबा देता हूँ और डायलर को दबाने के बाद में देखिए रीसेट, अब मैं उसको घुमा रहा हूँ तो मुझे इस मेन्यू पर मैं आ चुका हूँ और मेन्यू को मैं ओके कर दूँगा। तो इसके अंदर जो पेज बने हुए हैं वो अभी पेज नंबर एक यहाँ पर आप देख रहे हैं और पेज नंबर दो हैं। तो इसके अंदर टोटल जो मेन्यू हैं वो हम देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 विभाग इसके अंदर, फर्स्ट जो मेन्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पर ये 10 बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं पहले के अंदर, तो ये हमारा आ गया है पहला, इसमें आता है कैमरा सेटअप। कैमरा सेटअप को अगर हम देखेंगे तो इसमें सीन मोड आता है और अगर सीन मोड को हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्पॉट, पोर्ट्रेट, सॉफ्ट स्क्रीन और स्पॉट लाइट्स, स्नो, बीच, सनसेट, इस प्रकार से, और यहाँ से हम वापस एग्जिट हो सकते हैं। ये सारी इसके अंदर प्रोफाइल्स बनी हुई है, तो जिस समय जिस प्रकार की प्रोफाइल्स हमें इस्तेमाल करना होती है तो वहाँ पर हम इसको ऑन करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है शार्पनेस, अब शार्पनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्लस का इधर बढ़ा दीजिए और यदि आप घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको घटा सकते हैं। फिर आता है कलर, तो कलर में आप देखिए इस प्रकार से इसका कलर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको बहुत ज़्यादा रेड कलर दिखाई देने लग गया है और इस प्रकार से हम लोग घटा सकते हैं। तो यदि आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से कलर को बढ़ा सकते हैं। वापस हम रिटर्न होते हैं। फिर आता है एक्सपोज़र, तो एक्सपोज़र को भी हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपोज़र हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाई बढ़ रहा है, वो ओवर एक्सपोज हो गए हैं और वापस अगर हम इसको घटाएंगे तो इस प्रकार से ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्सपोज़र को थोड़ा सा अंडरलाइट भी करना चाहें तो यहाँ से हम इसको अंडरलाइट कर सकते हैं। अब आता है AWB ACH एडजस्ट, ऑटो वाइट बैलेंस, तो ये एक एडजस्टमेंट होता है। इसमें R और B दो कलर दे रखे हैं, रेड एंड ब्लू, तो आपको जो कलर इसमें फिल करना है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, रेड की तरफ या ब्लू की तरफ, दो एरो दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं। वापस हम रिटर्न होते हैं। रिटर्न होने के बाद में चलते हैं हम आगे की तरफ। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं बैक लाइट कंपोनेंट पे, तो यहाँ पे अगर हमें बैक लाइट ज़्यादा आ रही है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। देखिए ऑन करते से ही आप इस इमेज के अंदर फ़र्क देख सकते हैं। मैं वापस इसको कर देता हूँ ऑफ। DRS, ये है इसका DRS, यदि हम इसको ऑन कर देंगे तो एक्चुअली जो बिल्डिंग होती है कुछ भी, तो उसमें अगर लाइनिंग करेक्ट नहीं आ रही है तो हम इसको ऑन कर देंगे तो उसमें हमारा जो डिस्ट्रॉयड होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होने लग जाएगा। ये मैंने ऑफ किया। लेवल शॉट, अब लेवल शॉट के लिए हम इसको अगर ऑन कर देंगे, यह हमें ऑन रखना चाहिए ताकि लेवल में पिक्चर आ जाए और यहाँ पर जब हम आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर एक लेवलर का एक निशान होगा, तो वो कैमरा टेढ़ा है या कैसा है तो आपको उस लेवल पे बताएगा। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। फ्लैश बैंड कंपनसेशन, इसको ऑन और ऑफ करने में ज़्यादा कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा है, यहाँ पर ऑफ ही रखें आप। ये आ गया 3। नॉइस रिडक्शन कंट्रोल, आप यहाँ से अगर इसको ओके कर देंगे तो आपको देखिए अगर कोई नॉइस वगैरह दिखाई दे रही है तो उसको थोड़ा सा यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली लो लाइट में ये समस्या आती है तो उस समय आप इसको सेट कर सकते हैं। तो हम हो जाते हैं रिटर्न। तो ये हमने कैमरा सेटअप का जो सिस्टम था वो हमने जाना। अब हम आ जाते हैं सिस्टम मोड के ऊपर।
कैमरा अभी मैंने मैनुअल करके रखा है, मैनुअल के अंदर ही ये सारे मेन्यूज़ आपको दिखाई देंगे। तो ये आपका रिकॉर्डिंग मोड है, अगर रिकॉर्डिंग मोड में हम देखेंगे तो MOV, MP4 और AVCSD यहाँ है, तो हमेशा AVCSD को ही सपोर्ट कर ये कैमरा ज़्यादा करेगा, तो हम उसी पे कर देते हैं। तो AVCSD जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही हमें रखें। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, अब यहाँ पर अगर आप बेस्ट क्वालिटी की पिक्चर चाहते हैं तो आप सबसे ऊपर जो PS लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये फर्स्ट वाला, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसमें प्रॉपर्टी कम वाली पिक्चर आती जाएगी और उसके रेगुलेशन डाउन होते जाएंगे। तो यहाँ से होते हैं हम बैक एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट कन्वर्ट, ये इसमें अभी ऑन नहीं है, लाइव नहीं है। और कैमरा नंबर सेट, कभी लाइव प्रोग्राम में अगर 4-5 कैमरे लगाते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो सिस्टम मोड में एक पेज है, आप कोने में देख सकते हैं। अब यूज़र्स ASW, अब ये यूज़र्स ASW में हम एक ऐसा आइकॉन बना करके हमारे इस डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट प्राप्त कर लें। सपोज अभी अपन देख लेते हैं User 1, अगर हमें अभी LED EVF आउटपुट पे ये है तो या लेवल शॉट मुझे शॉर्टकट में दिखाई दे या कैप्चर मुझे शॉर्टकट में दिखाई दे तो उसके लिए है। तो आप यहाँ से इतने सारे जो ऑप्शन होते हैं उसमें से आप कोई भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये यूज़र ASW में सारी प्रोफाइल्स बनी हुई है, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और यूज़र्स बटन डिस्प्ले लास्ट में जो है ये ऑन है और इसे हमें ऑन ही रखना चाहिए। तो इसका इस कैमरे के सेटिंग से और फीचर से ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है, वो शॉर्टकट्स के लिए है। ASW सेटअप में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर है आयरिस रिंग, जो डाउन ओपन है ये आयरिस की रिंग है, उसको आप किस प्रकार से डाउन ओपन या अप ओपन कैसा आप उसको खोलना बंद करना चाहते हैं, तो जो डाउन ओपन इसका डिफ़ॉल्ट है वो सही है। वापस हम रिटर्न होते हैं, अब आ जाते हैं सुपर गेन में। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है 36 dB और 33 dB, तो अब आपको गेन कहाँ तक रखना आप चाहते हैं और उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है AGC लिमिट, तो इसको आप जैसा चाहें वैसा अनुभव के साथ में आप कंट्रोल कीजिए। और हाइब्रिड OIS, तो ये हमेशा ऑन ही चाहिए, हमारा इमेज स्टेब्लिश रहे, बहुत ज़्यादा हिले नहीं। अगर कैमरा हमारा थोड़ा हल्का फुल्का शेक भी होता है तो उस शेक में भी हमारी पिक्चर थोड़ी सी स्टिल दिखाई दे, उसके लिए हाइब्रिड OIS है, तो हमें इसको ऑन कर लेना चाहिए। स्लो शटर, अगर आप ऑन कर देंगे तो स्लो शटर में ये शूट होगा, तो इसे ऑन रहने दें क्योंकि कई बार जब हम ऑटो मोड में होते हैं तो कई बार स्लो शटर में चला जाता है तो भी हमारी पिक्चर ढंग से आ जाएगी। यहाँ पर इस ASW सेटअप में कुल 4 पेज हैं, कॉर्नर में आप देख रहे हैं। तो हम अब चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। तो Focus Assist 1, फोकस असिस्ट का इस कैमरे के यहाँ पर जो इसका कंट्रोल पैनल है इस पर भी दे रखा है, तो इसमें दोनों ही रखिए आप, एक्सपेंड और पिकिंग, दोनों ही आप रखेंगे, पिकिंग कलर, पिकिंग लेवल, एरिया मोड, और फिर जो अगर आपको एरिया मोड अगर कोई सेलेक्ट करना है तो आप उस एरिया मोड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो आपका शॉर्टकट यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। पिकिंग कलर रेड, अब आपको कौन सा कलर ज़्यादा पिक करना है, इसमें दो चीज़ें हैं, तो पिकिंग कलर में आप रेड, ब्लू, येलो, वाइट, तो यहाँ रेड मेरे हिसाब से ठीक है, मैं इसको रेड ही पसंद करूँगा। पिकिंग लेवल, अब उस पिकिंग लेवल आप क्या एडजस्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये दे रखा है। और एरिया मोड, यहाँ पर मेरे हिसाब से फोकस और आयरिस ये उचित है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3, ज़ेब्रा मोड, और फिर आता है बार टाइप, सब रिकॉर्डिंग बटन ये एक्टिव ही रखें, सब जूम जो 4 है वो ठीक है, डिजिटल जूम ये डिजिटल जूम है। और अब हम यहाँ से रिटर्न होते हैं, पेज नंबर 3 हो गया कोने में। अब हम चलते हैं चौथे पेज की तरफ, तो यहाँ पर आई जूम, जूम को अगर हमें बढ़ाना है जो अभी वर्तमान में जो इसका 20x जो जूम है उससे अगर हमें ज़्यादा लेना है तो आप आई जूम को ऑन कर दीजिए, तो आपका जूम और ज़्यादा होने लग जाएगा, लेकिन उसमें स्टैंड चाहिए, हाथ से वो आपसे नहीं कवर होगा। अब हम आ जाते हैं रिकॉर्ड सेटअप के अंदर, तो इसमें मीडिया का सिलेक्शन करना है, वीडियो और पिक्चर आपको किस में पिक्चर सेव करना है किस में करना है, तो आप यहाँ से आउट हो जाइए। 2 स्लॉट फंक्शन में ये इस प्रकार से आता है, तो आप सिमुलटेनियस पर अगर आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ऊपर फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड में दोनों ही आपको दो जगह पर डाटा सेम डाटा सेव होता रहेगा। और रिले रिकॉर्डिंग में अगर आप कर देंगे तो फर्स्ट कार्ड बढ़ जाएगा और सेकंड कार्ड में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। प्री रिकॉर्डिंग,
तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। वेडिंग का कार्यक्रम होता है, हम आराम से शूट कर सकते हैं, तो बटन दबाते से ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, बैटरी को ज़्यादा खाएगा, इसके लिए हमें इसको ऑफ ही रखना चाहिए। अगर आपको रिकॉर्डिंग मोड में यदि समय और टाइम दिखाना है तो आप सिस्टम को ऑन कर दीजिए, TCG रिकॉर्डिंग रन TC प्रीसेट, चलते हैं छठवें हिस्से पे जो ऑडियो सेटअप का होता है। ऑडियो से रिलेटेड जिनके भी काम होते हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण विभाग होता है ये, तो इसमें आपको लो कट चैनल 1 और ऑडियो लो कट चैनल 2 है। अगर हम इसके अंदर अगर जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे तो ये आपका चैनल नंबर जो 1 इस साइड में, यहाँ पर ऑडियो इनपुट 1 जो लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ये इसका शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप इसका ऑडियो लेवल भी देख सकते हैं। आप मैन्युअली ऑडियो लेवल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युअली ही रखना चाहिए अगर आप कोई अच्छे से किसी प्रोग्राम को सेट कर रहे हैं तो, और वेडिंग में हमें ऑटो ही रख देना चाहिए, लेकिन जब स्टेज प्रोग्राम अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय विशेष सावधानी बरतें। फिर आ जाता है आउटपुट सेटअप, तो ये यहाँ से इसका आउटपुट का है, रेजोल्यूशन सिस्टम 1080p और i, इसको आप सिस्टम पे छोड़ दीजिए, इसके हिसाब से ये चलता रहेगा यहाँ पर। और डाउन कन्वर्सेशन, तो इसमें स्क्वीज़ है, रिमोट रिकॉर्डिंग, रिमोट से भी ये कैमरा चल सकता है, तो उसके लिए आपको रिमोट अगर लगाते हैं तो आप उसको ऑन पे कर दीजिए। रिमोट रिकॉर्डिंग लिंक, HDMI TC आउटपुट, जो इसकी HDMI केबल लगती है उसका आउटपुट अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, तो HDMI TC यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं, मैं कुल 5 पेज बने हुए हैं, जेब्रा डिटेक्ट, मार्कर, गाइडलाइंस, सेफ्टी जोन, ये सारे इसके ऊपर जो गाइडलाइंस आती है, थोड़ी लाइनिंग वगैरह आती है उसके लिए होता है। जेब्रा डिटेक्ट 80% एरिया में अगर आपको कहीं कोई फोकस आउट या ऐसी कुछ चीज़ होगी तो उसमें वो डिटेक्ट होगा, तो ये आप देखिए यहाँ पे अगर आप यस कर देंगे तो फिर वो डिटेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही पिक्चर देख करके हम अपने आराम से उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए, इसके ऊपर लाइनिंग जो आती है इस प्रकार का, देखिए आप मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार की आप गाइडलाइन इस डिस्प्ले के ऊपर ले सकते हैं। और ये सेफ्टी जोन होता है, इसमें एक वाइट कलर की जो लाइन आपको दिखती है तो वो अगर आपको रखना है तो उसके लिए होता है, आप ताकि आप उस लाइन के बाहर वीडियो को नहीं ले जाएं, जिससे आपका वीडियो कभी कटे नहीं, उसका कटने का खतरा नहीं रहे। अब दूसरे पेज पर हम आ गए, सेंटर मार्कर अभी इसमें ऑन है, जो प्लस का निशान आपको दिखाई देता है, जो प्लस का निशान आपको दिखाई देता है उसमें वो ऑन है। और रिकॉर्डिंग काउंटर और सीन टोटल, तो जैसा आपको चाहिए वैसा कर दीजिए, तो ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मेरे हिसाब से ठीक है। वीडियो आउट OSD, इसको भी हमें ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। डेट टाइम, यहाँ से आप डेट टाइम का सिलेक्शन कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट, आपको क्या चाहिए, पहले वर्ष चाहिए, महीना चाहिए, दिनांक चाहिए, महीना चाहिए, दिनांक चाहिए, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। हो जाते हैं यहाँ से रिटर्न। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर इसमें आ जाता है लेवल गुज, हिस्टोग्राम, ऑडियो लेवल मीटर, हाँ ये देखिए ऑन है, ये ऑन रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं जब हम बोलते रहते हैं तो यहाँ पर ऑडियो का लेवल आपको दिखाई देता है, तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हाँ हमारा ऑडियो करेक्ट जा रहा है। लेंस स्टेटस, कार्ड एंड बैटरी, तो इसका कोई मुझे मीनिंग नहीं दिख रहा है, हम हो जाते हैं यहाँ से रिटर्न, और लेंस स्टेटस, कार्ड एंड बैटरी, फिर एक बार और हो जाते हैं यहाँ से, सॉरी अब चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, ये दबाया मैंने, कोने में देखिए 4 नंबर, अदर डिस्प्ले, जो सारे इसके ऊपर जो डिस्प्ले आते हैं दिखाई देते हैं उसको आप ऑन रखिए, अगर ऑफ कर देंगे तो वो दिखना बंद हो जाएंगे। पावर LCD, इसको आप 0 पे ही सेट करके रखें, अगर आप बढ़ा देंगे घटा देंगे तो यहाँ का आपका थोड़ा सा आँख में से दिखना थोड़ा सा ये हो जाएगा। आपका LCD सेट अगर यहाँ से करना है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट जो भी बढ़ाना चाहते हैं वो, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मैं रिटर्न हो जाता हूँ। EVF सेटिंग, जो EVF जहाँ हम आँख लगा करके देखते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है, तो उसके लिए है ये नॉर्मल, ब्राइट, डार्क, आपको कैसा पसंद है। सेल्फ शूट, सेल्फी के लिए मिरर, नॉर्मल, जब हम इसको आगे की तरफ टिल करके जब हम लोग हमारा फ़ोटो लेते हैं तो आपको नॉर्मल चाहिए या मिरर चाहिए, तो नॉर्मली हम जब आगे की तरफ से खुद अगर स्वयं शूट करें तो हमें मिरर में रखना चाहिए, ताकि वहाँ से हम अगर हाथ को इधर हिलाएं तो इधर हिले, उधर हिलाएं तो उधर हिले, तो हमें वहाँ से जज सही हो जाए, इसके लिए वो पेज है, तो यहाँ से हम रिटर्न हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं 5वें पेज के ऊपर, EVF कलर,
अब इस इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर के अंदर आपको कौन सा चाहिए तो वो ऑन है, बिल्कुल कलर है। ईवीएफ एलसीडी डिटेल वो भी ऑन है। ईवीएफ एलसीडी पिकअप, हाँ ये यहाँ पर आप इस कलर का पिकअप यहाँ से कर सकते हैं, कौन सा आपको चाहिए। और ईवीएफ एलईडी पिक फ्रिक्वेंसी, तो ये लो है, तो मेरे हिसाब से लो ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रिकॉर्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो DISP सेटअप के कुल 5x5/5 जो पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर, तो ये हमने पूरे कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं, रिटर्न चलते हैं और आ जाते हैं अदर फंक्शंस पे। ये अदर फंक्शंस जो कैमरे के अंदर कार्ड लगा रहता है उसको अगर फॉर्मेट करना है तो वो अदर फंक्शन के पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से SD कार्ड कौन सा आपको सेलेक्ट कर लो, कौन सा आपको फॉर्मेट करना है। मुझे यहाँ पर कोई कार्ड फॉर्मेट करना। मीडिया स्टेटस, किस कार्ड में कितना स्पेस है उसके लिए है ये। और अगर हम चेंज मीडिया करके यहाँ पर देखें तो एक कार्ड में थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर बची है, एक कार्ड पूरा खाली है, ये पूरा एम्प्टी दिखाई दे। और इसमें 2 घंटे 4 मिनट की पिक्चर आ सकती है और इसके अंदर सिर्फ 26 मिनट की पिक्चर आ सकती है। रिकॉर्डिंग लैम्प, जो सामने एक लैम्प लगा रहता है वो चालू रखना है या नहीं रखना है। क्लॉक सेट, घड़ी की सेटिंग आप कैसे करेंगे उसके लिए है क्लॉक सेट, तो आप यहाँ से जो भी आपका सेटिंग करना चाहते हैं। टाइम जोन, अब आता है रिंग LED ब्लू, तो आपको जो अदर फंक्शन में आ रहा है ये पेज नंबर 2 पे, जो यहाँ पे LED जो ब्लू कलर की दिखती है और रेड कलर की दिखती है उसके लिए है। क्विक पावर ऑन, अगर आपको पावर जल्दी से ऑन हो जाए वैसा चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर लीजिए। अलर्ट साउंड, अगर क्रिंग क्रिंग की आवाज़ें अगर अलर्ट साउंड में आप सुनना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर लीजिए। इकोनॉमी बैटरी, ये सारे ऑफ ही रखें आप। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, फिर 3 पे आ जाते हैं अदर फंक्शन में। इकोनॉमी AC, USB मोड सेलेक्ट, ये इंटीरियर सेट, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप अपने कैमरे के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दो और आपको डिस्टर्ब हो जाए आप, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटीरियर सेट में जाना है और यस को यहाँ पे दबाना है। उसके बाद में एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से आप यस कर दीजिए तो आप का कैमरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा। कैमरे के कार्ड में जो पिक्चर्स होगी उसको कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन कैमरे की जो सेटिंग है वो टोटल डिफ़ॉल्ट यानी जो कैमरे के साथ आती है उसमें चली जाएगी और आप उससे आराम से रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। कैमरे के जो नंबर रिसेट, जो फाइल नंबर आते हैं उसको रिसेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 4 में। यहाँ पर भाषा अंग्रेजी की मुझे ठीक ही लग रही है क्योंकि हिंदी भाषा इसमें मे भी होगी नहीं। और अंतिम आता है मेंटेनेंस का, तो इसमें वर्जन अपडेट हावर मीटर, तो ये सारी चीज़ मेंटेनेंस के लिए है। और हमने जो मेन्यू के कुल 2 पेज है 5-5 के वो हमने देख लिए फटाफट। और यहाँ से हम हो जाते हैं एग्ज़िट। तो अभी आपने देखा इस कैमरे के अंदर जो फीचर्स हैं और जो हम सेटिंग के अंदर जाते हैं वो क्या होती है। तो नॉर्मली सेटिंग से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम मैन्युअली शूटिंग करना शुरू कर दें और सिर्फ एक्सपोज़र पर ध्यान दे दें, एक्सपोज़र में भी आप शटर, एपर्चर, ISO, वाइट बैलेंस, बस ये 3-4 चीज़ें और चौथा है लाइट, अगर इसका हम ध्यान लगा देंगे तो पिक्चर ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने शॉर्ट में ये देखा, आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।